बागेश्वर बाबा के मंदिर में, जो कि आप देख सकते हैं कि इस साइड में एक बड़ा सा गेट बनाया गया है और इसके अंदर से ही जा करके गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो आइए हम लोग गुफा के अंदर चलते हैं, आपको अंदर का सीन दिखाते हैं किस तरह से दिखता है। हेलो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं गुफा के अंदर। इस साइड देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ था गाइज, अभी काफ़ी किसी तरह से हम लोग अंदर आए हैं। देखिए इस साइड, और चलिए अभी उस साइड जा रहे हैं जल चढ़ाने, क्योंकि हमारा सारे टीम अंदर जा चुकी है। चलिए आपको चल के दिखाते हैं इस साइड की नज़ारा। देखिए काफ़ी भयानक गुफा है, सांस लेने में तकलीफ होती है। किस जगह पे लोग स्नान करते हैं और वहाँ से जल उठा करके यहाँ महादेव जी के पास आते हैं, और ये है कुछ ऐसा रास्ता। सारे लोग आते हैं, अंत में हम लोग पहुंच ही गए हैं। चलिए वीडियो मिलते हैं बाद में। तो हम लोग आगे चल रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं काफी अंदर और आपको दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ गाइस। ये देखिए लास्ट तक हम लोग आ चुके हैं, महादेव के दर्शन कीजिए आप लोग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, यही पर भोलेनाथ जी लास्ट लास्ट है। इसी जगह लोग आते हैं, देखिए काफी कितनी परेशानी हो रही है। हर महादेव, हर हर महादेव, जल्दी मिलते हैं दोस्त, बाद में चलते हैं आगे के सीन दिखाते हैं आपको। निकलिए निकलिए। और दोस्तों इस जगह पे करते हैं लोग दर्शन, ऊपर से पानी गिरता है उनकी जटाओं से और अपने मुख में रोक के दर्शन करते हैं सारे लोग। उसे इस साइड में देख सकते हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है, अल्लाह को समूह में रोक रहा हूँ। देखिए सारे लोग दर्शन के लिए मुख खोले हुए हैं, जिनके भाग्य में होता है उनके मुख में खुद ब खुद ये पानी गिरता है। ये है एक नमूना महादेव रूपी पत्थर, चारों तरफ घटाओं से बनती है। बाकी सारे लोग अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं, उस साइड में है। तो कुछ ऐसा है नज़ारा गुप्ता धाम का, और देखिए ऊपर से पानी टपक रहा है महादेव की जटाओं से और सारे लोग उसे मुख में लेकर दर्शन कर रहे हैं। हम कर लिए हैं भाई, दोस्तों हम कर लिए हैं एक बार। हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और ये हमारा पूरा टीम पूरा इसका देखिए क्या हाल है। वीडियो बनाने में कह दे दर्शन भयानक दर्शन किया है, ये देखिए दर्शन भयानक किया है सबसे ज्यादा। एक अभी भी प्रयास में है। और एक हमारा कैमरा मैन जो ये हमारे कैमरा मैन का हार लहा देखिए।
चलो चलो चलो, इसका भी दर्शन हो गया और हम लोग अब जा रहे हैं बाहर। बाहर निकलेंगे इस गुफे से क्योंकि अंदर में सांस लेने में सबसे बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रहा है। वो स्नान करते हैं और वहाँ से जल उठा करके यहाँ महादेव जी के पास आते हैं। और ये है कुछ ऐसा रास्ता। और ये हम लोग आए हैं एक और रास्ते में जो कि बहुत ही संकरा गली है इधर का, लोग जा नहीं पा रहे हैं। इसके अंदर जाने के बाद सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग यहीं से घूम रहे हैं, इसका अंत करते हैं। काफ़ी छोटा और काफ़ी संकरा दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर से होके जाना रहता है तो हम लोग जा नहीं रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डर लगेगा ना उधर कोई इंसान जा नहीं रहे, तो हम लोग यहीं से वापस हो जाते हैं। और लोग यहीं तक आके वापस हो जाते हैं यहीं से देख करके। और आगे जो दलदल था समियाना के नीचे में, उसमें मेरा पैर चला गया था इतना, देखिए।